आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पार्कल सोसाइटी। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए। वेलकम टू स्पार्कल सोसाइटी। स्पार्कल सोसाइटी में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर मेहुल दीक्षित आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल स्पार्कल सोसाइटी पे। ये जो स्पार्कल सोसाइटी चैनल है, ये इसमें आपको अर्निंग, लर्निंग, नॉलेज और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आप देखना मत भूलिएगा। और साथ में अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन जो है उसे क्लिक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएगी जैसे ही हमारा कोई भी नया वीडियो आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है वो। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। सबसे पहले तो आपका जो फ़ोन है उस फ़ोन को वो मेंटेन करेगा, जो एक क्लीनर भी है और कई सारे और भी टूल्स हैं, एक एक करके हम उसे देख लेंगे। इस ऐप का जो नाम है MobileGo। MobileGo जो है ये वंडरशेयर की तरफ से दिया हुआ एप्लीकेशन है। ये मेरा ऐप ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि येलो कलर की जो लाइन है वो दिखा रही है मेरी रैम यानी मेरी मेमोरी कितनी यूसेज हुई है, और एक दिखा रहा है मुझे इंटरनल मेमोरी यानी मेरा डेटा कितना है। तो करीब करीब 79% मैंने रैम यूज़ की है और 60% मेरा जो फ़ोन का स्पेस है वो यूज़ किया हुआ है। उसके साथ में ही नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो और कई सारे ऑप्शंस हमें दिख जाते हैं, जैसे क्लीनिंग। सबसे फर्स्ट मैंने जो एडवांस क्लीनिंग है उसे क्लिक किया है। एडवांस क्लीनिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया है। सारे जो फाइल्स वगैरह हैं वो वहाँ पर स्कैन करना शुरू किया है। अब जैसे ही ये स्कैन शुरू हो जाता है हमें यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दिखते हैं। तो मुझे क्या करना है, ये सारे जो है वो सारे के सारे मुझे क्लीन करने। तो मैंने यहाँ पर नीचे क्लीन को मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये मैंने क्लीन को क्लिक कर दिया, ये कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया कंप्लीट। ये एक सिंपल प्रोसेस है जिससे हम एडवांस क्लीनिंग कर सकते हैं। हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है और ऑटोमेटिकली हमारी जो भी है जितना भी MB हमें फ्री मिलता है वो फ्री हो जाएगा उतना स्पेस। तो इसमें हमें ट्रांसफ़र करने की भी फैसिलिटी मिलती है, प्राइवेसी सेटअप भी मिलता है और कई सारे ऐप अगर आपको मैनेज करना है तो ऐप का भी है। ऐप किसी ऐप को बूस्ट करना है तो ऐप को बूस्ट भी कर सकते हैं। ऑटो स्टार्ट जो है उसको आपको मैनेज करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रांसफ़र की तरफ। ट्रांसफ़र में हमें पहले तो बैकअप टू PC का ऑप्शन है। बैकअप टू PC में हम हमारा बैकअप जो है वो PC में ले सकते हैं। बस उसे क्लिक करने के बाद में एक ईमेल ID आपको एंटर करनी पड़ती है। उस ईमेल ID के थ्रू एक लिंक आ जाएगी कंप्यूटर पे, वो ईमेल ID ओपन करने से आप बैकअप निकाल सकते हैं। मोबाइल ट्रांसफ़र है जिसे मोबाइल टू मोबाइल हम जैसे शेयर इट यूज़ करते हैं उसी तरह से। और प्राइवेसी में सेफ इरेज, अगर कोई डेटा हमें इरेज करना है किसी को पता नहीं होना चाहिए इस हिसाब से। ऐप लॉकर है, इसमें ऐप को लॉक करने के लिए। हिडन पिक्चर, अगर कोई पिक्चर हमें हाइड करना है तो। और हिडन वीडियोज़, अगर कोई हमें हमारे फ़ोन में कई वीडियोस होते हैं जो पर्सनल होंगे तो उन्हें अगर हमें हाइड करके रखना है तो हमें वो भी हाइड कर सकते हैं। और सबसे जो इसमें इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी है वो है, मैं अभी मेन स्क्रीन पे आया हूँ और मेन स्क्रीन पे आने के बाद में मैं मेरे राइट हैंड बॉटम कॉर्नर को मैंने जस्ट ऊपर क्रॉस में स्क्रॉल किया है। स्क्रॉल करते ही मेरे पास यहाँ पर एक शॉर्टकट आया है। तो ये है टूल्स ऑप्शन। टूल्स ऑप्शन में ढेर सारे यहाँ पर टूल्स हैं। तो इन टूल्स में से मैं किसी भी टूल को डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ टॉर्च, तो टॉर्च को मैंने क्लिक करने के बाद में मेरी टॉर्च ऑन हो गई है। साथ में अभी यहाँ पर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह कम ज़्यादा करने के लिए है, वाईफाई बंद या शुरू करने के लिए है, मोबाइल डेटा के लिए है। और साथ में प्लस आइकॉन है जिसे क्लिक करने के बाद में ये विंडो ओपन होगी। ये विंडो ओपन होने के बाद में मैं इसमें शॉर्टकट्स और भी ऐड कर सकता हूँ, अगर मुझे कोई शॉर्टकट इसमें ऐड करना है तो। तो ये हो गया एक। उसके बाद में मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, वहाँ पर है फेवरेटिस। तो मेरे जो फेवरेट जो आइटम्स होंगे वो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ।
मान के चलिए अभी फिलहाल मुझे करना है वर्डप्रेस और साथ में मैं स्पार्कल का लर्निंग का ऐप भी ले लेता हूँ, तो ये इसमें ऐड हो गए हैं। तो अब यहाँ से अगर मुझे इनमें से निकालना है तो किस मैं इसे क्लिक करके रख देता हूँ और क्रॉस को अगर क्लिक करता हूँ तो वो निकल जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं निकाल नहीं रहा हूँ इसे, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं क्लिक करके रख रहा हूँ। तो इस हिसाब से हम ये जो एप्लीकेशन है ये इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा ऐप है, डे टू डे यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें से शॉर्टकट्स भी निकलते हैं और साथ में अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसे हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। हम डायरेक्टली ऑप्टिमाइज़ बटन को भी अगर क्लिक करते हैं तो भी वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज़ कर देगा। तो ये अगर ऐप आपको पसंद आया है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है, साथ में आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, यूज़ कीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो लोगो है स्पार्कल मल्टीपर्पज़ सर्विसेज का, इसे क्लिक कीजिए और इस पे एक रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन आएगा, उसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे और सारे हमारे नए वीडियोस देख पाएंगे।